फाइनली मैंने अपना पैकेट पहला दे दिया है। अब गाजियाबाद इनिशियली एरिया है, तो यहाँ से देखता हूँ मिल जाएगा कहीं का, तो ठीक है वेट करता हूँ कितना टाइम लगता है। बस फाइनली मुझे एक पैकेट मिल गया जो गाजियाबाद से मिला जब मैं आया था, तो वहीं से 2 किलोमीटर दूर मिला मेरे को। ये 51 सेक्टर 57 का मिला मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाइस पैकेट मेरा जो 51 से मिला, 215 रुपये का मिला है। 1 घंटे बैठने के बाद मुझे ये मिला ऑर्डर। अब मैं यहाँ से जाऊँगा ये अपना क्या कहते हैं सेक्टर 51, ये 1 घंटा बैठा मैं, तो उसके बाद 215 रुपये 2 राइड मिली अब तक में, 400 रुपये हो चुके मेरे में अब तक में। अब मैं देखता हूँ यहाँ से फिर कहाँ का दिखता है। गाइस फाइनली मेरे को पहला पैकेट मिल चुका है, वो भी गाजियाबाद का मिला है। मैं निर्माण घर आया था अपने घर से, मैं यानी घर से मेरे 1 किलोमीटर दूर था, तो अपने यहाँ पर बस स्टैंड पर बैठा हुआ था, तो मैं सोचा यहीं से देखता हूँ अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जाऊँगा वहीं पर अपना। पर यहाँ से बच गया 201 रुपये का, तो मैं कहा चलो गाजियाबाद है जल्दी पहुँच जाएंगे, 25 किलोमीटर रास्ता दिखा रहा है, 17 किलोमीटर है, तो यहाँ से मैं आपको मिलता हूँ वहाँ पर। गाइस मुझे एक और ऑर्डर मिला अभी, ये 51 आया था, फिर मैं 51 से मैं बैठा रहा 1 घंटा, तो वहाँ मिला ली। फिर मैं आया 9, 9 आया, 5 किलोमीटर दूर था वहाँ से, फिर मैं 9 आया, तो यहाँ पे भी 1/2 घंटे बैठने के बाद तो एक पिकअप मुझे मिल चुका है, और यहाँ से मिला मुझे गुड़गांव का। वो पैकेट काफ़ी भारी है, 400 रुपये का ऑर्डर है, मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा पैकेट है। ये देखो गाइस ये एक पेटी है, ये कम से कम 40-45 किलो की पेटी है। बात की मेरे कस्टमर से तो मान गया, जो भी देगा वो कह रहे ठीक है ले आओ हम दे देंगे, मैं ठीक है 400 का ऑर्डर है यहाँ से मिल गया मुझे 9 से। अब यहाँ से जाऊँगा 18 गुड़गांव, वहाँ जाके मिलूँगा आपसे, मैं दिखाता हूँ फिर, आज तो सही मिल जाएगा। गाइस मुझे एक पैकेट मिल चुका है तो गाजियाबाद से 51 का 51, ये 201 रुपये का मिला है, 215 रुपये का मिला मुझे। तो मैं 1 घंटा वहाँ बैठा रहा हिंदी से एरिया गाजियाबाद, तो वहाँ नहीं मिला, फिर मैं कुछ चलो मैं आगे से बढ़ता हूँ, तो जैसे ही आगे बढ़ा था मैं करते हैं, साइज ओवर साइज भी है फिर भी चिक चिक, और ज़्यादा वेट भी फिर चिक चिक करते हैं, इसलिए वो दिक्कत होता है। और जो अपना के दे देते हैं उसी से वो ठीक लगता मुझे, तो इसमें भी मैं देखो निकल गया हूँ, तो 5:15 बजे तक पहुँच जाऊँगा गाँव, और वहाँ से भी देखो कि 5:15 बजे पहुँच जाऊँगा, और वहाँ से मिल जाएगा एक और ऑर्डर, तो आपको पता ही है फिर अच्छा जो मैं टारगेट है डेली का वो हो जाएगा। चलो मैं मिलता हूँ आपसे, आप रास्ते में दिखाता हूँ आपको चलता
कभी हमारे 1100 आते, कभी 1200 आते हैं, कभी 800, कभी 900, यानी कोई दिक्कत नहीं थी। ये लास्ट पैकेट था, मैंने छोड़ दिया इसको यहाँ पे सेक्टर गुड़गांव सेक्टर। कौन आ रहे होंगे? उद्धव नगर गुड़गांव में। अब यहाँ से देखता हूँ कहाँ मिलेगा, दूसरा पैकेट देखूँगा फिर। गाइस मैंने अपना पैकेट छोड़ दिया गुड़गांव, वो तो कब का छोड़ चुका हूँ। फिर मैं आधा घंटा बैठा रहा सेक्टर 18 में गुड़गांव उद्धव नगर, तो एक भी क्या कहते हैं, एक भी ऑर्डर नहीं होते, एक भी कॉल नहीं होती, ना 100 वाली ना 200 वाली, कुछ भी नहीं होती। तो फिर मैं धीरे धीरे निकलने रहा हूँ घर के लिए अपने, क्यों वहाँ वेट करने से फ़ायदा नहीं है, क्यों अपनी रात इतनी हो चुकी है। अब शायद ही यहाँ से मिलेगा, बच जाता तो 6:30 बजे तक बच जाता, फिर उसके बाद बच जानी, तो मैं अगर धीरे धीरे निकलता हूँ, रास्ते में बची कॉल तो ठीक है, पर कॉल बजी नहीं एक भी, तो मैं कहा निकल जाओ। मैं ढोला कुआँ पहुँच चुका हूँ, ढोला कुआँ पहुँच चुका हूँ मैं, यहाँ से घर में अभी 15-20 किलोमीटर दूर है। यानी आज मेरी तरह 3 राइड आई, एक गाज़ियाबाद, फिर नोएडा, फिर गुड़गांव। जो गुड़गांव वाली राइड थी उसमें तो चलो कुछ पैसे मिल गए आपको, मैंने दिखाया था काफ़ी भारी सामान था, यानी 50-60 किलो सामान, 50 किलो का सबको रेट थी वो। तो मैंने कस्टमर से पहले बोल दिया सर ये ज़्यादा ही होगा, साइज भी है और भारी भी है, क्योंकि कस्टमर लोग कहते हैं नहीं 20 किलो, मैं 20 किलो अलाउड होता सर, और सेंटीमीटर भी उतना ही देखना पड़ता है।
तो कोई कोई मान जाता, कोई नहीं मानता, तो कैसे करना पड़ता है। और बेनिफिट ये है, मैं अगर ज़्यादा कस्टमर मना कर रहा है नहीं नहीं हम भेजते हैं, तो आप सीधा कंपनी को फ़ोन करो, क्यों आपको गुडविल मिलता है उससे 20 रुपये। आप कंपनी को फ़ोन करोगे तो कस्टमर कैंसिल मारे, अगर कस्टमर कैंसिल मार दिया तो आपको मिनी मिलेगी वो बेनिफिट। और आप पहले फ़ोन लगा लो कस्टमर को तो आपको बेनिफिट तो मिलेगा, गुडविल 20 रुपये का, वो तो मत छोड़ो। मैं नहीं छोड़ता हूँ, वैसा कस्टमर को फ़ोन लगाता हूँ। और क्या बताऊँ आप लोगों को, अच्छी चल रही है अभी तो इस हफ्ते मेरा काम, अगले हफ्ते का देखूँगा मैं। इस हफ्ते तो अच्छा चला मेरा काम, अगले हफ्ते का देखूँगा मैं कैसा चलेगा। इस हफ्ते तो मान लो अच्छा ही चला काम मेरा, काफ़ी ज़्यादा, यानी कल भी अच्छी कमाई, आज भी कल भी गुड़गांव गया था, आपको दिखाया था मैं रात को, यानी कल रात को तो 6-6:30 बजे गुड़गांव गया था मैं, हाँ कल 6:30 बजे गुड़गांव गया था रात को, आज भी